कहानी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के टाउन फेयर लेक को दिखाया जाता है, जहां पर हेलोवीन डे के दिन दुनिया भर से आए लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। आज के दिन यहां के लोग चेहरे पर अजीबोगरीब मास्क और ड्रेस पहनकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। वहीं इस फेस्टिवल की न्यूज़ कवर करने न्यूज़ रिपोर्टर कैलिन यहाँ पर आई थी। कैलिन न्यूज़ कवर करने के बाद वॉक पर जंगल की तरफ जाने लगती है। वॉक करते करते कैलिन जंगल के काफ़ी अंदर चली जाती है, तभी उसके सामने सॉटूट आ जाता है। वो उस पर हंसते हुए उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ मुड़ जाती है। जब वो दूसरी तरफ जाती है तो उसे वनाई मिलता है। कैलिन को लगता है कि कोई हेलोवीन मास्क पहनकर उसके साथ मस्ती कर रहा है, इस वजह से वो वनाई को भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब आगे जाने के बाद उसके सामने थ्री फिंगर आ जाता है, जो कि इन तीनों में से सबसे खतरनाक था। वो कैलिन को वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देता। थ्री फिंगर के ऐसे करने से कैलिन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे अपना मिडिल फिंगर दिखाने लगती है। थ्री फिंगर हंसते हुए चाकू से उसकी मिडिल फिंगर को काट देता है। उंगली कटते ही कैलिन समझ जाती है कि ये कोई मजाक नहीं है। वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। जंगल में भागते हुए उसे एक मैनार्ड नाम का आदमी मिलता है, जो कि उसकी मदद करने का ड्रामा करने लगता है। उसे उन तीनों आदमखोरों की नज़रों से बचा लेता है। मैनार्ड के ऐसा करने से कैलिन उस पर भरोसा करने लगती है और उसके साथ जाने लगती है। लेकिन तभी मैनार्ड कुल्हाड़ी निकालकर उसके पेट पर हमला कर देता है और साथ ही उसके हाथ को भी काट देता है, जिससे कैलिन की वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल मैनार्ड एक सीरियल किलर है, जो कि उन तीनों भाइयों की तरह लोगों को मारकर फिर उन्हें खाता है, और ये तीनों भाई भी इसी के लिए काम करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों आदमखोर डिनर के लिए कैलिन की बॉडी को काट रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मैनार्ड आता है और वो इन तीनों भाइयों को डांटने लगता है, क्योंकि इन तीनों ने कैलिन को मारने के बाद सबूत को छुपाया नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों भाई मैनार्ड से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और उसकी कई हर बात को फॉलो करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पांच कॉलेज फ्रेंड्स को देखते हैं। ये पांचों भी फेयरलेक में चल रहे माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में मैनार्ड जानबूझकर इनकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उनकी कार एक पेड़ पे जाकर बुरी तरह से क्रैश हो जाती है। वहीं मैनार्ड उनकी गाड़ी से टकराने की एक्टिंग करके सड़क पर लेट जाता है। लेकिन उन फ्रेंड्स में बिली, जो कि कार ड्राइव कर रहा था, वो 100% श्योर था कि कार ने उसे हल्का सा भी टच नहीं किया। अब जैसे ही बिली चेक करने के लिए उसके पास जाता है तो मैनार्ड चाकू से उस पर हमला कर देता है, जिस पर अब वो तीनों दोस्त मिलकर उसे पीटने लगते हैं। वहीं मैनार्ड को पीटते वो तीनों आदमखोर भाई भी देख रहे होते हैं। अब थ्री फिंगर जैसे ही तीर निकाल कर उन पर अटैक करने वाला था, तभी वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर शेरिफ एंजेला और डिप्यूटी बिग्स पहुँच जाते हैं और वो इन पांचों दोस्तों के साथ मैनार्ड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एंजेला डिप्यूटी बिग्स को टो ट्रक आने तक वहीं पर रुकने के लिए कहती है और इसके बाद एंजेला उन सभी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों आदमखोर डिप्यूटी बिग्स को अकेला पाकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे बेरहमी से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिली और उसके बाकी दोस्त, जो कि लॉकअप में बंद थे, बिली इस घटना की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेकर अपने दोस्तों को आजाद करा देता है, जिसके बाद उसके सारे दोस्त वहां से निकलकर पासी के एक होटल में जाकर रूम ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मैनार्ड एक सीरियल किलर है, इसलिए वो अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, पर वो मैनार्ड को सुबह आकर ले जाने की बात करते हैं। उनकी बातें सुनकर मैनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। इधर टाउन के सारे लोग फेस्टिवल में जा चुके थे और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। अब वो तीनों आदमखोर भाई अपनी ट्रक की मदद से शहर के फोन टावर को नीचे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सबके फोन के टावर चले जाते हैं। इसके बाद वो तीनों आदमखोर पावर प्लांट में जाकर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। उनकी इस हरकत को सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उन्हें रोकने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो तीनों भाई उसे ही पकड़कर पावर प्लांट की तारों में लटकाकर मार देते हैं, जिसकी वजह से अब शॉर्ट सर्किट होकर टाउन की पावर कट हो जाती है और पूरे टाउन में अंधेरा हो जाता है। वहीं एंजेला बाकी ऑफिसर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फेस्टिवल में होने की वजह से कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देता। यहाँ पर विली की गर्लफ्रेंड क्रूज बिली को खाना देने के लिए होटल से स्टेशन की ओर निकलती है और रास्ते में जा रही होती है, तभी थ्री फिंगर उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है और वहाँ से भागने लगती है, मगर आखिर में थ्री फिंगर उसे पकड़ ही लेता है और उसके पेट पे वार कर देता है। इसके बाद वो उसकी अंतड़ियों को निकाल कर उसे ही खिलाने लगता है। वहीं उनमें से एक फ्रेंड जूलियन वहां से जा रहा होता है, लेकिन कान में हेडफोन होने की वजह से वो कुछ भी सुन नहीं पाता और सीधा वहां से चला जाता है। अब जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर बिली से क्रूज के बारे में पूछता है, मगर जूलियन बिली को बताता है कि वो तो उसके आने से पहले ही होटल से निकल गई थी। उधर होटल में लीटा सावर लेने जाती है, तभी सॉटूड वहां आकर उसके फ्रेंड गस को पकड़ लेता है। गस की आवाज सुनकर लीटा हालात देखने बाहर आती है, तभी वनाई उस पर भी हमला कर देता है, मगर लीटा किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है।
है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली को लगता है कि शायद वो क्रूज होगी। एंजेला जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर उसका हस्बैंड खड़ा है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर और उसके भाइयों ने गस को ट्रक में बांध रखा होता है। इसके बाद ये तीनों गस के पैरों पर हथौड़े से मार मार कर उसके पैरों को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो तीनों उसे ट्रक में ले जाकर पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देते हैं। गस काफी दर्द में होता है और हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। और जुलियन उसे पहचान लेते हैं और उसकी मदद करने के लिए एंजेला को कहते हैं। एंजेला उसकी मदद करने के लिए बाहर आती है, पर उसके कुछ करने से पहले वो तीनों भाई उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे मार देते हैं। एंजेला उन पर गोली चलाती है, पर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एंजेला गस की बॉडी को बीच रास्ते से हटाकर साइड में रख देती है। अब एंजेला बिली को लॉकअप से बाहर निकाल देती है ताकि वो आदमखोर से लड़ने में उनकी मदद कर सके। वो विली जूलियन और मॉस को एक शॉटगन दे देती है। विली अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की बात करता है। इस पर एंजेला उसे इनकार कर देती है और उन्हें स्टेशन को गार्ड करने को कहती है। एंजेला खुद स्टेशन से निकलकर एक शॉप पर जाती है, जहां पर उसे जनरेटर और रेडियो मिलता है। वो जनरेटर को ऑन करके रेडियो की मदद से एक लड़के से कॉन्टेक्ट भी कर लेती है। एंजेला उससे मदद मांगती है और उसे पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट करने के लिए कहती है, मगर वो लड़का इसे हेलोविन प्रैंक समझकर एंजेला के साथ मस्ती करने लगता है। इतनी देर में लीटा भी अब पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वो अंदर जाने के लिए जैसे ही दरवाजे को खटखटाती है, तभी मॉस डर कर बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर एंजेला फौरन स्टेशन की तरफ आ जाती है। वो देखती है कि खुश नसीब से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं बिली लीटा को अब क्रूज के बारे में पूछता है, मगर लीटा को भी उसके बारे में पता नहीं होता। अब बिली जूलियन के साथ मिलकर क्रूज को ढूंढने निकलता है। तभी रास्ते में उन्हें क्रूज की डेड बॉडी नजर आती है। क्रूज को मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है। इतने में वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। बिली क्रूज की मौत का बदला लेने के लिए थ्री फिंगर का पीछा करने लगता है, मगर उन्हें पता नहीं होता कि ये थ्री फिंगर का एक जाल है, जिसमें अब वो दोनों फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। बिली जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़ा हुआ है और सिर्फ उसका सर ही बाहर है। वहीं उसका दोस्त जूलियन भी एक जंजीर से बंधा हुआ था। वो दोनों उस ट्रैप से निकलने की सोच ही रहे होते हैं, तभी थ्री फिंगर स्नोब्लोअर लेकर उनके सामने आ जाता है। स्नोब्लोअर को देखकर बिली झटपटाने लगता है, मगर थ्री फिंगर बिली के सामने से स्नोब्लोअर लाकर मेन टाइम में उसे दूसरी तरफ मोड़ देता है। थ्री फिंगर उसे सामने की बजाय पीछे से मारना चाहता था, इसलिए वो स्नोब्लोअर को अब उसके पीछे से लाकर उसके सर का कचुंबर बना देता है। अब थ्री फिंगर जूलियन की तरफ बढ़ने लगता है। जूलियन के चैन से बंधे होने के कारण वो कहीं भाग नहीं पा रहा था। उसकी इस बेबसी को देखकर थ्री फिंगर खुश होकर स्नोब्लोअर उसके ऊपर चढ़ा देता है, जिसके बाद स्नोब्लोअर से कटकर उसकी भी मौत हो जाती है। इधर काफी टाइम हो जाने के बाद भी बिली और जूलियन वापस नहीं लौटे थे, इसलिए एंजेला मॉस को टाउन के बाहर फेस्टिवल में जाके मदद लाने को कहती है। एंजेला उसे अपनी कार में बिठाकर वहां से रवाना कर देती है। मॉस आधे रास्ते में होता है, टेंशन की वजह से वो सड़क में बिछाई कटीले तार के ट्रैप को देख नहीं पाता, जिसकी वजह से अब उसकी कार क्रैश हो जाती है। इसके बाद वो तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप पर ले आते हैं और उसे एक ड्रम में डालकर उस ड्रम के नीचे आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बचाने के लिए वहां से बाहर आती है, पर जैसे ही वो शॉप के पास पहुंचती है तभी वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर मैनार्ड लीटा को अपनी बातों में बहकाता है। वो कहता है कि अगर वो उसे आजाद कर देगी तो उसे नहीं मारेगा। लीटा उसके बहकावे में आ जाती है और मैनार्ड को आजाद कर देती है। बाहर आने पर मैनार्ड इनाम के तौर पर लीटा की दोनों आंखें फोड़ देता है। वो चिल्लाते हुए वहां से बाहर आने लगती है। वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है। अब मैनार्ड भी बाहर आ जाता है। वो एंजेला को देख कर उसे शूट करने वाला होता है, तभी एंजेला शॉटगन से उसके कंधे को शूट कर देती है। इसके बाद वो फिर से मैनार्ड को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है और जैसे तैसे लीटा की आंखों पर भी पट्टी कर देती है। इसके बाद एंजेला मदद के लिए बाहर जाती है, पर तभी उसकी नजर अपने हस्बैंड की कार पर पड़ती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि किसी ने उसके हस्बैंड को कार के अंदर बांध रखा है, मगर एंजेला समझ नहीं पाती कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के पेट पे तेज धार वाला चाकू रखा होता है। वो चाकू वायर के थ्रू बंद कर दरवाजे के साथ कनेक्ट होता है। जैसे एंजेला कार के दरवाजे को खोलती है तो वो चाकू उसके हस्बैंड के पेट को चीर कर ऊपर आ जाता है। एंजेला कुछ सोच पाती तभी थ्री फिंगर ट्रक लेकर वहां आ जाता है और वो ट्रक को सीधा लाकर कार पे मार देता है। एंजेला खुद को उस टक्कर से बचा तो लेती है, मगर इसके बाद थ्री फिंगर ट्रक से उतर कर एंजेला को मारने लगता है। वो एंजेला को मार मार कर बेहोश कर देता है। उधर मैनार्ड अपनी बातों से लीटा को बहुत ज्यादा डरा देता है, जिससे लीटा डर कर वहां से निकलकर बाहर जाने लगती है। अब एंजेला को होश आता है। वो देखती है कि उसे लॉकअप में बांध रखा है और वो तीनों भाई उसके आसपास पेट्रोल छिड़क रहे हैं। वहीं मैनार्ड उसके पास आकर उसे मरने की दो चॉइस देता है,
वो कहता है कि पहले वो जलकर मर सकती है और दूसरी उसने उसके फेस से एक शॉटगन को अटैच कर रखा है जिसका ट्रिगर वायर के थ्रू उसके पाँव में होता है। यानी कि जैसे ही वो अपना पैर जमीन में रखेगी तो उसका फेस उड़ जाएगा। मैनार्ड उसे दर्दनाक या फिर आसान मौत चूज करने को कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा कर वहां से चला जाता है। जैसे वो बाहर आकर ट्रक में बैठता है तो अंदर से शॉटगन की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि एंजेला ने आसान मौत मरने का फैसला लिया। इधर लीटा चलते चलते एक हाईवे तक पहुंच जाती है, तभी उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो मदद के लिए उस गाड़ी को हाथ देकर रोक लेती है, मगर बदकिस्मती से वो ट्रक उन्हीं आदमखोरों का होता है जिसमें से अब थ्री फिंगर नीचे उतरकर लीटा को गाड़ी में बिठा देता है। गाड़ी में बैठने पर मैनार्ड लीटा का वेलकम करता है और इसके बाद वो सभी उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके।